villagers in Jodhpur have recited the Hanuman Chalisa. All of this after Allahu Akbar slogans were chanted last night during communal clashes. Protesters were seen with sticks and stones in their hands. The latest incident comes of protesters chanting Hanuman Chalisa. Tension escalating in Jodhpur. Where exactly has this particular incident taken place? We're going to try and get a larger picture from my colleague Sharad, who is right now joining us from Jodhpur. Sharad, abhi sthiti kya hai? Ye jo naya vakya aaya hai ki Hanuman Chalisa padi gayi, ye kahan padi gayi? ये हनुमान चालीसा वहाँ पर जालोरी गेट पर गए थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो बैठकर पढ़े हैं। हालांकि उन्होंने भीड़ से कहा कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, भीड़ को हटा दिया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। निश्चित देखिए, जिस तरह की वहाँ पर सियासत हो रही है, हम सुबह से कह रहे हैं, भले ही माहौल शांतिपूर्ण हो मगर नेताओं के लिए अब चारागाह मिल गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी राजनीति करेंगे। देखिए, घटनाक्रम प्रीति जानना बहुत जरूरी है, इस घटनाक्रम को लेकर के हुआ क्या है। दो तीन दिन पहले परशुराम जयंती मनाई गई, वहाँ पर भगवा झंडा लगाया गया जालोरी गेट पर। जालोरी गेट वो इलाका है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं और ईद की नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद रात को कल प्रशासन ने तय किया कि चूंकि ईद है तो ईद की वजह से वहाँ पर मुसलमानों को त्यौहार मनाने दिया जाए। हम भी दिवाली के दिन हमारी सड़कें हिंदू सजाते हैं और 10-10 दिन सजाते हैं, लाउड स्पीकर लगते हैं, सजावटें होती हैं, झंडियाँ लगती हैं, इसी तरह ईद की भी लगाई जाती है, उनकी भी ईद मनती है। अचानक से, जैसा कि वनिता सेठ जो जोधपुर की बीजेपी के मेयर हैं, उनका कहना है कि दो पत्रकारों का फ़ोन आता है, स्थानीय पत्रकारों का, कि स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति थी उसे मुसलमानों ने खराब कर दिया। यह बात जंगल के आग की तरह फैल जाती है और हिंदू युवक आते हैं और जो मुसलमान झंडा लगाए थे ईद के लिए, वो झंडे उखाड़ दिए जाते हैं और लाउड स्पीकर निकाल कर हटा दिया जाता है। यह बात जैसे ही मुसलमानों में फैलती है, मुसलमान वहाँ से निकल के आते हैं और दोनों गुट में पथराव शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर रात को तो झगड़ा खत्म हो गया, झंडा हटा दिया गया, मुसलमानों के लाउड स्पीकर हटा दिए गए। उसके बाद ये तय किया गया कि वहाँ पर जो ईद की नमाज होगी वो शांतिपूर्ण होगी, मगर ईद जैसे त्यौहार में जहाँ पर हम लोग भाईचारे के लिए इस त्यौहार को जानते हैं, सुबह जैसे ही नमाज खत्म हो गई मुसलमान युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। कल रात की जो तस्वीर वीडियो वायरल हुई थी कि किस तरह से झंडे उखाड़ कर फेंके गए, ईद के लाउड स्पीकर हटाए गए सड़कों से, उससे वो उद्वेलित थे और उन्होंने पथराव किया। पथराव करने के बाद हिंदुओं के खूब सारी गाड़ियाँ टूटी, दुकान के शीशे टूटे और कई लोग घायल हुए। इसे लेकर हिंदुओं में आक्रोश हो गया और वो वहाँ पर जुटने लगे। फिलहाल पुलिस ने समझाइश करके उन्हें रोक दिया है, 15-20 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ईद जैसे भाईचारे के त्यौहार के दिन भी इस देश में पथराव होगा? क्या मुसलमान युवक ईद के दिन भी पथराव करने के लिए निकलेंगे? और क्या इस देश में मुस्लिम ईद नहीं मना सकते? हम दिवाली के दिन 15 दिन तक सड़कों पर सजावट करते हैं, क्या मुसलमान एक दिन भी ईद की सजावट नहीं कर सकते? ये इस तरह के सवाल हैं जो हम लोगों को खुद से पूछना चाहिए। शरद, मैं आपसे एक सवाल फिर पूछूंगी, जरा ये विस्तार में बताइए, ये जो आपने पूरा घटनाक्रम बताया, ये जो फ्लैश पॉइंट अगर हम अंग्रेजी में कहें कि बिल्कुल आग भड़क गई, ये एक जो आप कह रहे हैं एक फोन कॉल किया गया कि एक मूर्ति है उसको वैंडलाइज किया गया, उसको खंडित किया गया, ये बात वाकया हुआ था, ये क्या बात थी? देखिए, जैसा कि बीजेपी की जो मेयर हैं वह वनिता सेठ, उनका कहना है कि हम लोगों ने तय किया कि मुसलमानों का एक त्यौहार आता है और वहाँ पर ईद मनाने दिया जाए, और वहाँ पर और झंडा लगा दिए थे, लाउड स्पीकर लगा दिए थे। इतने में दो स्थानीय पत्रकारों का फ़ोन आता है उनके पास कि जो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति वहाँ पर लगी है, उस मूर्ति को काले टेप से बांधा जा रहा है, उसको ढका जा रहा है। यह सुनते ही हिंदू युवक वहाँ पहुँचते हैं और भड़क जाते हैं, दोनों में आपस में बहस होती है। उसके बाद हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी उस वक्त, आधी रात का वक्त था, वो झंडा वहाँ से उखाड़ देते हैं ईद का और लाउड स्पीकर वहाँ से हटा देते हैं। ये खबर फैलती है तो मुसलमान युवक पहुँच जाते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, मगर सुबह जब वहाँ पहुँचते हैं वो नमाज के लिए तो वहाँ पर भगवा झंडा लगा रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ प्रीति, ये प्रशासनिक फेल्योर है, ये अशोक गहलोत का फेल्योर है कि इतना विवाद होने के बाद भी सुबह मुसलमान जब जाते हैं नमाज पढ़ने तो वहाँ भगवा झंडा लगाता। क्या पुलिस सो रही थी, क्या कर रही थी पुलिस की? इतना ज़्यादा विवाद होने के बाद भी आप जोधपुर के विधायक हैं, जोधपुर से मुख्यमंत्री हैं और आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, इतना बड़ा विवाद होने के बाद भी वहाँ पर पुलिस नहीं थी और भगवा झंडा लहरा रहा था? आप आनंद फानंद में सरकार, वो पुलिस क्या करती है कि भगवा झंडे को हटाती है, देती है, मगर
जो धर्म धर्म के बारे में कहा जाता है कि इमोशन पर चलता है, और राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। और जैसे ही इमोशन का ये कारोबार शुरू होता है, अपने घर से पत्थर लेके निकल जाते हैं, और इसी की परिणति जोधपुर में देखने को मिली है। प्रीति शरद, एक और सवाल पूछूंगी। अभी जैसे नए नए वाक्य आ रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, तो अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं है, अभी भी लोग भावुक हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं। हम आपके पास अभी आ रहे हैं जस्ट दो मिनट में। जो हमारे दूसरे कॉलीग हैं अशोक शर्मा, ही हैज फाइल्ड दिस रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड। थिंग्स आर नियरली नॉट सेटल्ड देयर इज व्हाट वी आर गेटिंग एन इंडिकेशन ऑफ, बट लेट्स कट इन एंड लिसन। कल शाम को जोधपुर के जालोरी गेट पर हुए दो समुदायों के झगड़े के बाद शहर के भीतरी इलाके जो रावतों का बास है, इसमें आप देख सकते हैं इधर एक कम्युनिटी के लोग हैं और पुलिस ने इनको रोक रखा है, और इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको पुलिस रोक रही है। आपस में पत्थरबाजी भी हो रही है और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई है। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, ये सब लोग पुलिस से भारी मशक्कत कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं बताना चाहूँगा कि ये उपद्रवियों ने ये कार को तोड़ा है। इधर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो वो नारे लगा रहे हैं, इधर अशोक गहलोत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर तनाव है, पुलिस का जाब्ता मौजूद है इस समय और लगातार तनाव चल रहा है। मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों पक्षों में जो समझाइश का भी दौर चल रहा है, लेकिन इस समय तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। मैं इस समय भीतरी शहर इलाके में हूँ और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। अशोक शर्मा। All right, so this is the current situation right now. Things are really not under control. We're going to try and get a larger picture. But let's try and get some political reactions. I have with me Jyoti Khandelwal. She's joining us on the phone line for more. Ms. Khandelwal, the fact is it's an abject failure of your government when you knew there was tension this morning, even when, the members of the minority community went to read namaz. There were still saffron flags there outside the masjid. देखिए, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगी प्रीति, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगी कि आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है मैडम, बोलिए। हाँ, कि देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया है, करने की कोशिश की। रात को भी घटना हुई, उसके बाद भी उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया जिससे इजीली नमाज जो है वो वहां पर अदा हो सके और जो ईद जो एक भाईचारे का त्योहार है, एक बड़ा त्योहार है, उसे मनाया जा सके। अब यहाँ पर एकदम से ये कह देना कि मुस्लिम लोगों ने पथराव किया था या हिंदू लोगों ने पथराव किया था या उनमें आपस में झगड़ा हुआ, इस तरह के लाठीचार्ज उन पर किया गया, मैं ऐसी बातों को बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ। कुछ उपद्रवी जो यूं कहें कि असामाजिक तत्व होते हैं, उनको शायद ये भाईचारा, ये जो स्थितियां जो सब कुछ कंट्रोल में आई वो नहीं सुहाई और उन्होंने ये कोशिश की कि वापस से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा धैर्य से काम लिया और उन्होंने दोनों पक्षों को उस समय भी, जब पथराव की घटना हुई उस समय भी रोका, हल्का उन्होंने लाठीचार्ज करके लोगों को, भीड़ को जो है इधर उधर किया, और अभी भी वो यही कह रहे हैं। We seem to have lost Ms. Khandelwal. We're going to try and get her back. She's back with us, I believe. Khandelwal ji, Jyoti ji, baat ke aap keh rahi hain ki jo elements hain unhone kiya, par main aapse ek baat puchna chahungi Jyoti Khandelwal ji. Sarkar to aapki hai, police bhi aapki hai. Chahe ye unwanted elements, fringe elements, inhone aake jhande laga diye, kya aapki police ko pata nahi tha ki nikal dein, aaj Eid hai? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहां हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे के बहुत सौहार्द और भाईचारे पूर्ण व्यवहार से हम रहते भी हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, यूनियन मिनिस्टर जो बहुत जिम्मेदार पद पर है, ज्योति जी, एक महीने पहले करौली में हुआ है, फैलाने की कोशिश करते हैं। ज्योति जी, एक महीने पहले करौली में हुआ है, राजस्थान में हुआ है जहाँ पे आपकी सरकार है, यूनियन मिनिस्टर की इसमें क्या बनती है?
नहीं नहीं आज आप आज अगर आपकी घटना देखेंगे तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजस्थान के हर एक नागरिक की, देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि तनाव वाली स्थिति को कम करने की कोशिश करें और भाईचारा और सौहार्द की स्थिति को बनाने की कोशिश करें। लेकिन आपने देखा कि मौके पर पहुंच करके उन्होंने स्थिति को कंट्रोल में, जो कंट्रोल्ड स्थिति थी बल्कि उसको भी बिगाड़ने का काम जो है वो वहां पर किया, और वहां पर जो है ये और ज्यादा तनाव जो है वो उसको दोबारा पैदा करने की कोशिश की। तो समन्वय सौहार्द बनाना सबकी जिम्मेदारी होती है, हर एक जने की जिम्मेदारी होती है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और वही जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए। और मैं तो फिर अगर ऐसी बातें हैं तो फिर अलवर की घटना को क्यों भूल जाते हैं, जहां पर बीजेपी का ही जो है अध्यक्ष था, वहां पे 35 में 34 पार्षद बीजेपी के थे और वहां पर भी आप मंदिर तोड़ने की घटना खुद प्रस्ताव पास करते हैं, खुद मंदिर तोड़ने की घटना को वहां पर करते हैं, आपकी सहमति होती है, फिर खुद ही वहां पर आकर के विरोध भी कर देते हैं, खुद ही वहां पर आकर के उसको माहौल को। ज्योति खंडेलवाल जी, मैडम देखिए बात तो बात एक बात तय है, सरकार आपकी है, अगर आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सारे चीजें भड़का रही है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये भड़के ना, तो अब आप बीजेपी को तो इस पे दोष नहीं दे सकते क्योंकि अभी सरकार आपकी है, पुलिस आपके हाथ में है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम हमारी जिम्मेदारी से कभी पीछे हटते भी नहीं है, और आपने खुद ने भी अभी आपने शायद दिखाई भी होगी अपने चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील को भी दिखाया होगा, उन्होंने अपना जन्मदिन का जो लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे थे उसको रोका भी, उन्होंने रिव्यू मीटिंग भी ली, वहां से हर एक व्यक्ति से उन्होंने वहां पर चर्चा भी की और कैसे स्थितियों को अंडर कंट्रोल किया जा सकता है इस बारे में भी उन्होंने बात की, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की, और उन्हें हर एक राजनीतिक दल बिना किसी पार्टी के उन्होंने हर एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि से यही बात कही कि ये मैं आज का दिन त्योहार का दिन है, चाहे वो परशुराम जयंती हो, चाहे वो ईद हो, अक्षय तृतीया हो, ये आज त्योहार का दिन है, इसे हमें सौहार्दपूर्ण भाईचारे तरीके से बनाना चाहिए और हमको सबको अपने संयम में रहते हुए हमारी राजस्थान की जो परंपरा है उसके अनुरूप इस त्योहार को मनाया जाना चाहिए, तनाव को कम किया जाना चाहिए। तो राजस्थान की ना तो सरकार, ना तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ना प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो, लेकिन चाहता कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन बीजेपी के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं होता, यहाँ पे बजट बहुत अच्छा आता है, बजट पे वो कोई सवाल खड़े नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे जैसे निरोगी राजस्थान की बात। अभी तो खंडेलवाल जी शुक्रिया कि आप मुझसे जुड़ी हैं, पर आपको भी पता है सवाल आज सिर्फ आपकी सरकार से किए जाएंगे, चाहे जो भी हो, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, अगर एक बिल्कुल कॉम्युनल फ्लेयर अप अगर हो रहा है, बार बार आप ही की स्टेट में हो रहा है, कंट्रोल आप ही को करना है। बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने का जी। आपको उतनी केंद्र के भी मंत्री से भी आपको सवाल करने चाहिए कि आप वहां पर सौहार्द बनाने गए थे, भाईचारा मनाने गए थे या तनाव को और मैडम सवाल हमारा जो जॉब कहते हैं ना, सवाल दोनों पक्ष से करना है, हम दोनों पक्ष से करेंगे, आपसे कर रहे हैं और सरकार आपकी है। शुक्रिया खंडेलवाल जी, आप हमसे जुड़ी। आई वांट टू गो बैक राइट नाउ टू शरद कुमार एंड आई वांट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ ऑन ग्राउंड। शरद, इस वक्त स्थिति क्या है, क्या अभी थम गई हैं चीजें या अभी भी जो इमोशंस कह रहे हैं काफी हाई हैं, भड़का हुआ माहौल है, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है? देखिए इमोशन हाई है लेकिन ग्राउंड पर स्थिति शांतिपूर्ण है। इमोशन इसलिए हाई है कि सुबह सुबह जिस तरह से पथराव हुआ है वो निश्चित रूप से हिंदुओं की गाड़ियों पे हुआ है, दुकानों पर हुआ है और बीजेपी उसको प्लेअप करेगी, आपको पता है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इलाका है और बीजेपी वो काम कर भी रही है। दूसरी तरफ आप जो मुसलमान हैं उन्हें लगता है कि एक हमारा ईद आता है, साल भर इसकी हम तैयारी करते हैं और आज हमें ईद नहीं मनाने दी गई, झंडे उखाड़ दिए गए, लाउडस्पीकर हटा दिए गए, जिस तरह से सड़कों पर जश्न का नज़ारा होता है ईद का वो आज नहीं दिखा। तो ये दोनों तरफ से इमोशन हाई हैं लेकिन फिलहाल ये जो आप कह रही थी ये बिल्कुल प्रशासनिक फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, ये इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। रात को जब ये घटना घटी है उसके बाद भी सुबह भगवा झंडा लग गया और प्रशासन को पता नहीं, उसके बाद पथराव हो जाता है और प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद नहीं रहता, इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, आप किसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, क्यों काम कर रहे थे, जिस तरह से झंडे उखाड़े जा रहे हैं ईद के और लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं वो वीडियो वायरल। शरद आपके वीडियो लिंक में एक दिक्कत है, उसको हम अभी थोड़ा साफ उसको ठीक करेगा, वापस आपके पास आते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय कॉलीग शरद्स वीडियो लिंक, वी आर गोना ट्राई एंड रेक्टिफाई दैट एंड कम बैक टू आवर व्यूअर्स फॉर मोर, बट दीज आर द यू नो सिक्स इमेजेस दैट वी आर गिविंग आउट राइट नाउ। द फैक्ट इज राजस्थान जोधपुर इज राइट नाउ ऑन द एज, टेंस,
there is no end to politics. All of the politics broke out after communal clashes in Rajasthan's Jodhpur on the occasion of Eid. BJP has slammed Ashok Gehlot government for the clashes that broke out between two communities on Eid. Irresponsible is government. The Jodhpur mayor called out on Congress government, accusing them of fueling the clashes. Congress netas, while speaking on the communal clashes, have called it a small issue and said that it could be easily resolved. Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has called a high-level meet to take stock of the law and order and has appealed to maintain peace in the violence-hit area. What is also important to understand here, viewers, is that Ashok Gehlot represents Jodhpur. हिंसा करवानी थी, धारा 144 लगाई जहाँ जहाँ रामनवमी के रथ यात्रा निकल रही थी, एक ही समुदाय के ऊपर धारा 144 लगाई जा रही है, दूसरी जगह रोजे बनाए जा रहे हैं उसके लिए एक अलग से राजस्थान सरकार विशेष आदेश निकालती है कि बिजली की कटौती कतई नहीं होगी, तो उस समय रामनवमी भी थी लेकिन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही कहा गया कि बिजली की कटौती यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, राजस्थान को ये तालिबान बनाने पर आमदा हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में, इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। वहां पर इस तरह के जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट की कम्युनलिज्म का झंडा लेकर के और अपने क्राइम को करते हैं, उनको प्रश्रय मिलता है, उनको संरक्षण मिलता है और उसका नतीजा है कि वो एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को बेशर्मी और बेदर्दी के साथ कर पाते हैं। इसलिए हमारा तो उनको बिना मांगी सलाह यही है कि सेकुलरिज्म जो है वो सियासी वोटों का सौदा नहीं होना चाहिए बल्कि संवैधानिक संकल्प का मसौदा होना चाहिए, और जब तक आप सेकुलरिज्म को संवैधानिक संकल्प नहीं मानेंगे और सियासी वोटों का सौदा मान के काम करेंगे तब तक इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी और आप मूकदर्शक बने हुए देखते रहेंगे। ये तो घटना की जा रही है लगातार और राजस्थान का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी विफलता कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। सोची समझी साजिश के तहत ही मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि तुष्टीकरण की नीति के कारण ही सरकारें न्याय नहीं कर पाती। अशोक गहलोत जी के कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खासतौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई है, एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देती है, तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व उनका बड़ा है। देयर एजेंडा इज टू पुट रिलीजियस एंड कम्युनल डिवाइड इन द फोरफ्रंट सो दैट द इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ प्रोग्रेस, ऑफ डेवलपमेंट गेट रेलीगेटेड टू द डस्टबिन। दे वॉन्ट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड फाइट so that nobody asks Modi ji where are the 15 lakhs in every account that you promised. They want Hindus and Muslims to fight in election going states so that people don't question them on their promise of 2 crore jobs a year. And Jodhpur mein sthiti control mein hai aur jo jis tarah se danga hua ye tay kar lena chahiye, chahe Hindu, Musliman, Sikh, Isai, Congress, BJP kisi ka karyakarta ho, kisi jati dharm ka vyakti ho, danga phailane ka, danga bhadkane ka, danga करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में है, सख्त कार्रवाई करेंगे, पुलिस वहां पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है, आमने सामने लोग हुए इसमें कोई दोहराय नहीं है, दंगा भड़का है और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखाती है, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। देखिए कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और
दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था, जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी, वो अंदर से जब बाहर आए हैं उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं, उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद की है इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे। Now, you know, there are multiple theories that are coming out. But what we can confirm right now that the city of Jodhpur is on edge. This is an incident that has followed very closely on two back-to-back incidents that has led to a communal minefield, in Rajasthan, which is in the beginning, the first Karauli, followed by Alwar, and now in Jodhpur. Jodhpur, once again, is also a constituency that is represented by none other but Ashok Gehlot himself. He's got a stronghold on the entire area, and the buck today stops with him. How is it that saffron flags remained on the area where the minority community was coming to read the namaz? It wasn't taken away. It is a failure of the law and order situation where Jodhpur is concerned, where two communities clashed last night and this morning, of course, stone pelting. Things haven't quite ebbed right now, is what we're getting to understand. The fresh incidents of heightened emotions, people reading out the Hanuman Chalisa, all of that right now in Jodhpur. And uneasy, calm or on the edge, that's what the city of Jodhpur is right now, where Rajasthan is concerned. I'm going to slip into a quick break. You do stay with me.